हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको सात्विक भोजन बताऊंगी, कैसे हम घर पे बहुत जल्दी और कम टाइम में बनाकर अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लौकी की खीर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 स्पून देशी घी ले लिया है। यहाँ पे जो भी हम खाना बनाएंगे, सारा खाना हम देसी घी में बनाते हैं। व्रत में हम देसी घी का ही यूज़ करते हैं, कोई दूसरे रिफाइंड और ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं पूरा फूड देसी घी में ही प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लौकी ली है, ये 1/2 kg लौकी थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करके इसको मैंने 1 स्पून देसी घी में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने मिल्क रख दिया है, मिल्क पक रहा है, मिल्क अराउंड 1 लीटर है और वो पकता रहेगा। इसको मैं दूध को स्लो गैस पे ही पकाऊंगी। और इधर देखिए, लौकी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अच्छे से बस हल्की सी फ्राई हो गई और उसके बाद मैंने इसको दूध में मिक्स कर दिया। अब मैं ये दूध को पकाती रहूँगी जब तक ये हाफ ना हो जाए। एक्चुअली दूध खीर का मतलब होता है थोड़ा सा दूध में जो भी मिक्स हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाए, राइस की खीर बनाए और अदर इंग्रेडिएंट, दूध में वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। और उस दूध का जो टेक्सचर है थोड़ा सा अगर पिंकिश सा हो जाए तो और खीर टेस्टी हो जाती है। तो मुझे उसी तरीके से पसंद है और वो ही तरीका आप भी अपनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, खीर बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 1/2 कप है ये एक्चुअली, सॉरी, शुगर लिया। ये मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको और मीठा खाना हो तो आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने शुगर इसमें डाल दिया, दूध अच्छे से पक चुका है और लौकी भी इसमें बहुत अच्छे से गल चुकी है। देखिए, इस तरीके से पूरे दूध को हमें पकाना है। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किशमिश, काजू, बादाम, मिश्री, एनीथिंग, और आप शुगर की जगह चाहें तो मिश्री भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस जो कि हेल्थ वाइज बहुत सही रहता है। इस तरीके से हमारी खीर बन गई और मैंने खीर को रख दिया साइड में। आइए अब हम दूसरी डिश बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पैन रखा, पैन में मैंने 1 स्पून घी डाला। इस तरीके से हमें घी डालना है और डालने के बाद देखिए, घी जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैंने इसमें जीरा डाला। जीरा अच्छे से थोड़ा सा जब रेडिश हो जाएगा तो हम इसमें और दूसरे इंग्रेडिएंट तब ऐड करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जीरा गरम हो चुका है अच्छे से इसमें। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई अदरक को ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में कट के मिक्स कर दिया। इस तरीके से हम इन सबको भून लेंगे। देखिए, ये हमारे अच्छे से अब भून गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। और इसमें मैंने 2 पोटैटो, बॉयल पोटैटो हैं, इनको कट करके इसमें मिक्स कर दिया है। ये हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं यदि आप व्रत में खाते हैं। यदि नहीं खाते तो आप बिना टमाटर के इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, इनको थोड़ा सा हमें 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे ये थोड़े से अच्छे से फ्राई वाले लग रहे हैं। तब मैंने इसमें 1 गिलास पानी लगभग ऐड किया। ग्रेवी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 गिलास, छोटे गिलास से सफिशेंट है। देखिए, पानी हमारा इसमें पक रहा। और यहाँ पर मैंने सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसे पकाएंगे और नमक डालने के बाद फिर हम इसको 2-3 मिनट पकने देंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे। देखिए, हमारे ये अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पे। आप देखिए, आलू और वो पानी दोनों अच्छे से एक दूसरे में सेट हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं रेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीफ को अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ऊपर से, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मुझे कोरिएंडर लीफ इसमें डालना है और मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और फिर मैंने ये काली मिर्च का पाउडर डाला है ऊपर से, ये मैंने 1/2 स्पून लिया है। आप भी 1/2 स्पून ऊपर से डाल सकते हैं। और 1 लेमन का रस निकाल कर ऊपर से मैंने मिक्स किया। इस तरीके से सब कुछ डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है आलू की। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब आइए,
रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं समक के राइस बना के दिखाऊंगी आपको, जो कि व्रत में खाए जाते हैं। सबसे पहले ये मैंने पीनट लिया। इस पीनट को हम अच्छे से देसी घी में हाफ स्पून देसी घी मैंने डाला और उसमें मैंने ये पीनट डाल के फ्राई कर दिया। ये जो मैं पूरा खाना बना रही हूँ, ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सारे रेसिपीज़ उस मात्रा में ली हुई हैं। तो यहाँ पर मैं ये पीनट को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। अब मैं राइस को बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन का वेट किया। पैन जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 स्पून देसी घी डाला। आप देखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है किसी भी डिश में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता। उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को मैंने बहुत लिमिट में करने की कोशिश की है, जो सबके लिए अच्छी रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून देसी घी लिया, उसमें जीरा डाला, ग्रीन चिली उसमें ऐड किया। ग्रीन चिली के साथ मैं थोड़ा सा अदरक इसमें चॉप किया, बारीक कटा हुआ मिक्स कर दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे अच्छे से। और ये सब कुछ हमें मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत तेज़ गैस पे हमें कभी भी इनको नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। फिर मैंने एक आलू, कच्चा आलू है, उसको छोटे छोटे पीसेज में काट के इसमें फ्राई कर लिया है, देखिए। और ये आलू को हमें थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। इसको हम इस तरीके से पकाएंगे कि ये आधा कुक हो जाए। कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 4 मिनट बाद हम जब इसको चेक करेंगे तो देखिए, हमारे आलू इस तरीके से अच्छे से पक चुके हैं, आधे पक चुके हैं। अब इसमें हम यहाँ पे इस कंडीशन में राइस को ऐड करेंगे। ये समक के राइस को मैंने हाफ एन आवर भिगो दिया था। ये बहुत साइज़ में छोटे होते हैं तो ये बहुत जल्दी गलते भी हैं, तो इन्हें मैंने 20 से 25 मिनट भीगने दिया साफ़ पानी से धोकर, और इनको मैंने पानी में सोख होने के लिए रखा था, जो कि अच्छे से सोख हो चुके हैं। और इनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इनको थोड़ा सा हम भुनने देंगे। देखिए, इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हमें इनको स्लो गैस पे भुनने दिया। अब इसको हम चेक करेंगे। देखिए, हमारे राइस अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इनमें हम यहाँ पे पानी को ऐड करेंगे। तो यहाँ जितना हमारे पास राइस है उसका हम डबल पानी यूज़ करेंगे। हमने 1 कप राइस लिया था तो हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये सोख भी हो चुके हैं, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 कप पानी सफिशेंट है। तो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको फिर से नींबू का रस, मैंने ऊपर से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर मैं इसको फिर मीडियम फ्लेम पर कवर कर दूँगी। ये हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इतने में हमारे राइस अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ मैंने सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट में ऐड कर दिया। इस तरीके से राइस हमारे लगभग बनने वाले हैं, तो इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखिए, इस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। इसको मैंने कवर कर दिया है और अब ये 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारे राइस को मैं बीच में एक से दो बार मैंने बीच में चलाया है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हमारे राइस लगभग अच्छे से कुक हो चुके हैं। फिर भी अब मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है और मैंने ऊपर से फ्राई की हुई पीनट और कोरिएंडर लीफ से इसकी गार्निशिंग कर दी है। इस तरीके से आप अपने घर पर जब चाहें, व्रत में ही नहीं, वैसे भी कभी मन करता है कुछ डिफरेंट खाने का, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं दूसरी डिश बनाने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे साबूदाने और आलू के अप्पे बना के आपको दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने साबूदाना लिया था 1 कटोरी और 2 आलू इसमें उबले हुए मिक्स कर दिए हैं, और मैंने इसमें पीनट को ग्राइंड करके डाला है और ऊपर से कोरिएंडर लीफ, अदरक और ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और सेंधा नमक। इस तरीके से मैंने इन सबको अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया। अब इनकी हम ऑयल की हेल्प से, आप मतलब घी जो है उसकी हेल्प से आप इसकी छोटी छोटी बॉल बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं सारे बॉल बना लूँगी। कितने अच्छे से बन रहे हैं आपको दिखाई को बॉल बनाने में बहुत दिक्कत आए तो आप ज़्यादा अपने दोनों हैंड में ग्रीस कर लीजिए घी की हेल्प से, और फिर बनाइए तो आपकी भी बॉल बहुत अच्छे से आराम से बन जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी बॉल्स बनकर यहाँ पे तैयार हो गई। आइए, अब हम इसको पैन को, अप्पे के पैन को गैस पे रखते हैं और गैस ऑन किया।
पैन गरम हो गया, अब मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। ये भी मैं देसी घी से ही कर रही हूँ, हल्का सा हमें ग्रीस करना है। चाहे तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन एज कि ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे व्रत में और दूसरी चीज़ें भी खाते रहते हैं, तो इसीलिए को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको आपे के पैन में बनाया, जिसमें हमें कम से कम ऑयल यूज़ होता है और हमारी डिश बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से नीचे ग्रीस किया और उसके ऊपर मैंने अप्पे रखे और फिर ऊपर से भी मैं इनके ऊपर ग्रीस कर दूंगी। तो देखिए मैंने ऊपर से भी इसमें घी लगा दिया और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। आप तेज पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में एक एक दो दो मिनट बाद हम इनको चेक करते रहेंगे कि ये जले ना। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे मैं दो तीन मिनट के बाद फिर इनको पलट रही हूँ और फिर इनको मैं कवर कर दूँगी। इस तरीके से हमें अप्पे बनाने हैं और ये इसमें 6 to 7 minutes लगेंगे और हमारे अप्पे बनकर तैयार होंगे। अब मैं सेकेंड टाइम फिर इनको पलट रही हूँ, हमें पलटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे एक तरफ से कुक होंगे और दूसरी साइड हमारे कच्चे रह जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें 3 से 4 बार इनको बीच में चेक करना होगा और 6 से 7 मिनट में ये हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इधर हमारे अप्पे पक रहे हैं, तो चलिए हम इधर रायते की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं खीरे का रायता बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे। मैंने एक कटोरी दही लिया, इसको अच्छे से मैं हैंड की हेल्प से अच्छे से इसको मैश कर लूँगी और फिर मैंने इसमें हाफ़ खीरा ग्रेट करके इसमें मिक्स कर दिया है। इस तरीके से मैंने इसमें सारा खीरा डाल के और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना, और इसमें फिर मैंने हाफ स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। इस तरीके से हमें इसको इसमें मिक्स करना है और फिर सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है। इस तरीके से हमारा ये रायता बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे ऊपर से चाहें तो इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव, ग्रीन चिली, पोमीग्रेनेट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने खीरे का रायता भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब आइए हम चेक करते हैं, हमारे अप्पे भी इस बीच में बन चुके होंगे। तो देखिए हमारे अप्पे भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, इनका कलर ही बता रहा है कि ये बहुत अच्छे से कुक हुए हैं और इन किसी भी साइड तरफ से आप देख लीजिए कोई भी कच्चा पार्ट नहीं बचा है, बहुत अच्छे से हर कुक हो चुके हैं। तो अब हमारे अप्पे बन गए, अब हम डो तैयार करते हैं। सिंगारे का आटा लिया है, व्रत में हम सिंगारे का आटा, कुट्टू का आटा, जो और चाहे तो समक के भी राइस को पीस के उसकी भी रोटियां बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप आटा यूज़ किया है। 1 कप सिंगारे के आटे में मैंने 2 पोटैटो बॉयल ऐड किए, उसमें कोरिएंडर लीफ ऐड किया और यहाँ पे आप अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फिर सेंधा नमक डालकर हम इनको एक अच्छा सा हैंड की हेल्प से इनका डो तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने इसको हैंड की हेल्प से एक डो बना लिया। इस तरीके से हमारा डो लगभग तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इनके पराठे, पूरी, जो भी रोटी भी है, यदि आप खाना चाहते हैं तो रोटियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवा गैस पे रखा, तवा गरम हो रहा है और यहाँ पे मैंने डो लिया। आप लोइयाँ अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितनी बड़ी और किस साइज़ की आपके चाहिए। इस तरीके से मैं थोड़ा सा सूखा आटा, जो भी सिंघाड़े का आटा है, उसी की हेल्प से मैंने ये पूरा बेल लिया और इसको रोटी को और सुंदर शेप देने के लिए, और सुंदर दिखने के लिए मैंने इसको गोल शेप इसे कट कर ली। आप प्लेट से, कटोरी, किसी से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए और बेटर सुंदर दिखे इसीलिए मैंने इसमें कट किया। और इस तरीके से हम देसी घी की हेल्प से इसके पराठे सारे बना लेंगे। तो इस तरीके से, और ये सब कुछ मीडियम फ्लेम पे हो रहा है। हम एक तरफ घी लगा के पलटेंगे और फिर दूसरी तरफ घी लगाएंगे। इस तरीके से हमारा एक साइड से पकेगा, फिर हम उसको दूसरी साइड में पलट देंगे। साथ हम और पराठे बेलते रहेंगे। तो देखिए एक पराठा तवे पे पक रहा है और दूसरा पराठा मैं हम भी यहाँ पे साथ में बेल रही हूँ। तो हम उसको भी इसी तरीके से डो को हाथ में लेके उसमें सूखा आटा लगा के और उसको बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। अब हमारा एक पराठा बनकर
तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरे पराठे को भी एक बर्तन की हेल्प से इसको गोल शेप देखते हुए कट कर लूँगी और फिर मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफिनेटली मेरे तरीके से आप जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसके लिए डैम श्योर हूँ। क्योंकि जो भी मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, यदि आप उसको उसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो डिशेज बहुत हेल्दी और टेस्टी बनकर रेडी होंगी। आपको भी अच्छा लगेगा कि पूनम ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई और हमारा एक्सपीरियंस भी बनने के बाद बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से आपकी आज की सात्विक थाली बनकर लगभग तैयार होती है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट बना दिए और आपको दिखा दिए, तो हमारे पराठे भी लगभग यहाँ पे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इनको हम सर्व करेंगे। सर्व के लिए देखिए गाइस, मैंने खाना सर्व कर लिया है। ये हमारा आज का सात्विक खाना बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से सारे, ये देखिए, समक के राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। ऊपर से मैंने कोरिएंडर लीव से गार्निशिंग कर दी। ये हमारे अप्पे हैं जो कि बन चुके हैं और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे चौलाई का लड्डू लिया है और रायता यहाँ पर बन चुका है। इसकी भी गार्निशिंग मैंने काली मिर्च के पाउडर से और कोरिएंडर लीव से की। ये आलू की सब्जी रेडी है और ये हमारी लौकी की खीर बनकर तैयार है और ये बीच में हमारे पराठे रखे। इस तरीके से हमारी सात्विक थाली रेडी हो गई। इसे आप अपने घर में भी बना सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।